एपिसोड की शुरुआत में दिखाई जाती है खून और टोनी उन दोनों को फॉलो करके उन तक पहुंच भी गया है, मतलब उन लोग जिस कमरे में अटक है वहाँ पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर टोनी ने एक प्लान बनाती है और कहती है मैं उसे डाइवर्ट कर रहा हूँ और तुम जाके उन लोगों को आज़ाद कर दो। जिसके बाद दिखाई जाती है टोनी अपने प्लान के मुताबिक यहाँ पर आ जाती है और उस गुंडे के साथ बातचीत करके उसके साथ क्लोज होती है, जिसके बाद उसे डाइवर्ट करती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुल के बात करती है। और इसी के मौके में दिखाया जाती है खून को जो बेसिकली कमरे की अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उन दोनों दिखाया जाती है जो बैठे रहा है और एक दूसरे के साथ बात कर रहा है। उन दोनों यहाँ पर आएगी तो यह बार खून जाके कहते हैं मैं यहाँ पर आ गया हूँ और तुम लोगों को छुड़ा भी लूँगा। जिसके बाद उन लोगों की आंखों की पट्टी से शुरू करके सारे बांध खोल देती है और उन लोगों को कहती है यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए। जिसके बाद दिखाई जाती है इन लोग बाहर आने वाली है तभी खून की फ़ोन में एक कॉल आती है, जिसके बाद दिखाई जाती है उस गुंडे को भी पता लग जाती है और फिर दिखाई जाती है टोनी और खून मिलके उस गुंडे के साथ फाइट करते उसे बहुत ही ज़्यादा मर्डर करती है। जिसके बाद दिखाई जाती है इन लोग भाग निकल लेती है और दिखाई जाती है उडिन और उडिन की फादर को जिसे वही गुंडे फिर पकड़ लेते हैं, उन लोगों को गांड पॉइंट कर लेती है और पीछे से यह पर खून और टोनी आके उन दोनों को फिर मारते हैं और उडिन की फादर यहाँ से भाग निकल जाती है। तो उन दोनों कार तक पहुंच भी जाती है और कार में एंटर भी कर लेती है। जिसके बाद दिखाया जाता है उडिन की फादर उसे कहती है उन दोनों के लिए रुकना चाहिए, लेकिन उडिन कहती है नहीं हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद कार फुल स्पीड से उन लोग निकल जाती है और फिर दिखाया जाती है उन दोनों को जो बेसिकली वही जगह पर फाइटिंग कर रहा था, यहाँ पर कुछ और आदमी आती है। जिसके बाद दिखाया जाती है उन दोनों डर के मारे भाग जाती है और बाहर आने के बाद देखता है कार उनके लिए नहीं है, मतलब उन लोग भाग जाती है। तो यहाँ पर कुछ देर उन लोग वेट करते हैं तभी दिखाई जाती है उडिन और उडिन की फादर यहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है और उन लोगों को बचा भी लेती है। तो कहानी शिफ्ट होती है और दिखाई जाती है काउपान को जो बेसिकली उनके घर में है और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट है, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रहा है उन लोगों के लिए। तो यह बार उसकी दादी माँ कहती है ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मतलब ये सब कुछ उसका प्लान ही था क्योंकि उन लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा झगड़ती है मारपीट भी करती है, ये उसे बहुत मतलब उसकी दादी माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसलिए उन लोगों की ये प्लान है उन लोगों को मिलाने के लिए। जिसके बाद दिखाई जाती है नोंग की मम कहती है अगर खून को पता चलेगी तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, लेकिन वो कहती है होने दो फिर भी ये सब कुछ मैं ठीक ही कर दूंगा। जिसके बाद दिखाई जाती है बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और उन लोग बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद दिखाई जाती है उन लोग का पहले जैसा नहीं है, इन लोगों की रिलेशन ठीक हो चुके हैं, इन लोगों के साथ मिलजुल के रहा है, ये दूर से देख लेती है उन सारे लोग और उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। फिर दिखाया जाता है इन लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए आगे निकलती है और यहाँ पे दिखाया जाता है खाओबान को जो बेसिकली कह रहा है खून के पास जाने के लिए, मतलब उन दोनों की शादी होगी ये बात यहाँ पे अनाउंस कर देती है। जिसके बाद दिखाया जाती है उडिन की फादर और उडिन को बहुत ज़्यादा खुश होती है, मतलब उन लोगों को भी खुशी होती है। तो ऐसे कुछ देर बीत जाती है और कहानी आगे चलती है और दिखाया जाती है हमें टोनी को जो बेसिकली घर छोड़ के यहाँ से जाएगी, मतलब यहाँ से जाने वाली थी तभी उसकी दादी माँ उसे रोक लेती है और कहती है तुम्हारा एक चीज़ मेरे पास है। जिसके बाद वही नेकलेस को बाहर करते उससे कहती है ये तुम्हारा चीज़ तुम ही ले लो, मतलब ब्राट को तुम ही दे देना क्योंकि वो तुम्हें दिया था इसलिए तुम्हें ये देना चाहिए। जिसके बाद वो कहती है तुम हमें छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती हो। और फिर कुछ देर बाद दिखाई जाती है सारे लोग यहाँ पर आ जाती है, मतलब उसे सरप्राइज ही कर देती है, मतलब उसकी दादी माँ ने उसको गोद लिया अब से वो यही रहेगी। तो कुछ देर बाद यहाँ पे दिखाई जाती है जैम आंटी को भी उन लोग बुला लेती है और सारे पूरी फैमिली हमें नज़र आती है। शाम की सीन पे फोकस होती है और दिखाई जाती है उन दो भाई को जो बेसिकली बहुत ही मज़े में है एक दूसरे के साथ मज़ा कर रहा है और उडिन के ऊपर सीन लेती है जो बेसिकली ट्रैवल और एडवेंचर के लिए निकल रहा है और उसकी फादर को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होती है और ये देखकर उसे ये मूड भी चेंज हो जाती है, वो आपसे घर की बिजनेस संभाल लेगी। जिसके बाद वो उन पे फोकस होती है और दिखाई जाती है नोंग और टोनी को जो बेस्ट कपल भी माना जाती है उन लोगों को और टोनी पढ़ाई भी कर रहा है और उसे इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होती है। तो कुछ देर बाद दिखाई जाती है वो एक जगह पर बैठती है और उस नेकलेस को देखती है तभी यहाँ पर एक लड़का आती है और ये लड़का होती है डैमरोंग की असली बेटा मतलब प्राट। तो प्राट यहाँ पर आने के बाद इन दोनों एक दूसरे के करीब हो जाती है और एक दूसरे के से बातचीत भी करती है, टोनी उसे पहचान भी लेती है क्योंकि उसे उसकी फेस याद भी है। तो इन दोनों की बातचीत के दौरान दिखाई जाती है प्राट कह ही देती है मुझे सब कुछ पता है तुम मेरे
आइडेंटिटी लेकर उस घर में गया था, सब कुछ मतलब ए टू जेड सब कुछ उसे पता है, फिर भी उसे कुछ भी नहीं कहती है। और फिर दिखाया जाती है उस नेकलेस को देने वाला होती है टोनी, लेकिन वो कहती है ये तुम्हारे पास रहने दो। जिसके बाद प्राट यहाँ से चले जाती है और दिखाया जाती है टोनी को, जिसे कॉल आती है खून की, जिसके बाद वो भी उनके पास पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद दिखाया जाती है उन लोग स्ट्रेट में, आई मीन रास्ते में बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर रहा है। और यहीं पे एपिसोड 12 की कहानी ख़त्म हो जाती है और बैकग्राउंड में हमें सुनाई भी देती है थैंक यू ब्रदर। तो एपिसोड 12 की भी आई मीन फाइनल एपिसोड की भी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसका सीज़न 2 अगर आ जाती है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ भी रहिए आप लोग और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। हमारे चैनल में और भी कई सारे ड्रामा एक्सप्लेन वीडियो है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, चेकआउट आप लोग कर सकती हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।